पूरे प्रदेश में भूमि माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और तनातन बुलडोजर भी चल रहा है, मगर आगरा में किसानों की जमीन पर गुंडाई और भूमि माफिया विकास जैन के खिलाफ धोखाधड़ी कब्जे का दूसरा मामला सामने आया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश आगरा थाना एतमाद टोला क्षेत्र में टाटा कंपनी के पास विनोद कुमार की पुश्तैनी जमीन थी। उस जमीन को विकास जैन ने बड़े ही षड्यंत्र के साथ अपने नाम करा लिया, जिसकी सूचना जब विनोद कुमार को मिली कि उसकी जमीन विकास जैन के नाम हो गई है और उस जमीन पर विकास जैन के गुर्गों ने अवैध कब्जा कर लिया है। आइए देखते हैं आगरा से संवाददाता हरिओम शास्त्री की इस रिपोर्ट को। यहाँ पर कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है? और यहाँ पर कई जयकारे भी लगाए जा रहे हैं कि गली गली में चोर है और विकास जैन चोर है। पीड़ित विनोद कुमार जी, जो विनोद कुमार जी से हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। विनोद कुमार जी, विनोद है जी, टाटा कंपनी के सामने नुनियाई में मेरी जमीन है जी जी, और मेरी जमीन पे विकास जैन ने जयनामा करवा के दूसरी पार्टी से उसको आगे अन्य कई लोगों को बेच दिया है जी जी, ये मेरी पीड़ा है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर देखिए जो विकास जैन है, विकास जैन आगरा में जो कि भूमाफिया है, और बताते हैं कि विकास जैन के साथ कई 7-8, 11-15-20 लोग जितने भी हैं, उनका एक गैंग बन करके चलता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आगरा में? उधर योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के लिए जगह नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। भूमाफिया अन्ना भैंसा की तरह बेखौफ है आगरा में, और विकास जैन इतना दबंग है और ये कहता है कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं आगरा में, DM है, IPS हैं, सब ये कहता है कि मेरे नीचे काम करते हैं। आखिर इतना दबंग योगी सरकार में विकास जैन भूमाफिया, आखिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? आगरा के आला अधिकारी चुपचाप मौन बैठे हैं। भूमि माफिया विकास जैन के हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं, तो वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भूमि माफिया विकास जैन के खिलाफ घोषणाबाजी नारेबाजी करते हुए राज्य की योगी सरकार पर भी बड़ा निशाना साधा है। कलेक्टर DM साहब को एप्लीकेशन दिया है जी, नहीं दो बार एप्लीकेशन DM साहब को दिया जी जी, कमिश्नर ऑफिस में दिया एप्लीकेशन दिया जी साहब को जी, है ना, मुख्यमंत्री जी के लिए भी एप्लीकेशन दिया है जी, है हमें कहीं से न्याय नहीं मिला। आपको कहीं से न्याय नहीं मिला है? जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, यहाँ के योगी जी कहते हैं कि बुलडोजर बाबा कहते हैं, और मेरी जमीन पे अवैध कब्जा चल रहा है, निर्माण हो रहा है। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं योगी दरबार में जाके अपने परिवार के साथ आत्महत्या करूँगा।